फरहान जा चुका है नहाने में, आपको फरहान दिखाता हूँ। फरहान के मज़े आ रहे हैं, अकेला चला गया मुझे छोड़ के, इसके मज़े आ रहे हैं। वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठा हूँ क्योंकि आज संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन मैं देर से ही उठता हूँ क्योंकि काम पर तो जाना होता नहीं है इस वजह से। और आज मैंने घूमने भी जाना है, तो उस जाने के लिए मैंने बाइक में थोड़ा काम भी करना है। बाइक में जो ख़राबी है वो पहले मैं सही कर लूँगा, उसके बाद मैं घूमने जाऊँगा। और अभी सबसे पहले तो नाश्ता करना है, भूख लग रही है, तो मैं जाके देख लेता हूँ नया ने नाश्ता पका लिया है या नहीं। नेहा यहाँ किचन में नाश्ता बना रही है। नेहा कितनी देर रह गई नाश्ता पकने? बस 5 मिनट लगेंगे क्योंकि एक पराठा पक गया, बस ये जल्दी जल्दी पकाओ, भूख भी लग रही है मुझे और काम भी करना है फिर। सही है, नाश्ता हम सबने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी बाइक सही करनी है। बाइक में थोड़ा सा ही काम है, थोड़ी देर लगेगी, बाइक सही कर लूँगा। बाइक सही करने का दिल तो नहीं कर रहा लेकिन करनी भी है क्योंकि आज जहाँ मैं जाऊँगा हमारे घर से 2.5 घंटे का रास्ता है, अगर रास्ते में बंद हो गई तो मसला हो जाएगा, इसलिए मैं पहले बाइक सही कर लेता हूँ। बाइक का काम करने के लिए मैं यहाँ से औजार निकाल लेता हूँ, जो जो मेरी ज़रूरत के औजार हैं, वरना सारे लेके जाऊँगा तो जगह ख़राब हो जाती है। फिर नेहा कहती है कि भाई आपने पूरी जगह खराब कर दी। नाश्ता करने के बाद भाई ने बाइक का काम स्टार्ट कर दिया है। भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, सही नहीं है क्या बाइक? बाइक सही है, मैंने बनाई थी ना, इंजन बनाया था, तो इंजन बनाने के बाद 1 हफ्ते के बाद टेपिट टाइट करने होते हैं बाइक के। अच्छा, वो मैंने किए नहीं थे, वो ये दो होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अच्छा, ये अभी टाइट कर रहे हो आप? ये मैं अभी टाइट कर रहा हूँ, बस 5 मिनट का काम है, ये कर लूँ और कुछ भी नहीं करना, बाकी सही है भाई। चले ठीक है, वैसे भी आज आपको जाना है तो बाइक भी सही होनी चाहिए, ऐसा ना हो रास्ते में धोखा दे दे। हाँ, इसलिए तो मैं सही करूँ। चले ठीक है, आप ये काम करें, मैं अपना करती हूँ। बाइक का काम मैंने कर लिया है और बाइक अभी बिल्कुल रेडी है, उसमें अब कोई भी खराबी नहीं है, सब कुछ मैंने सही कर लिया है। और लाइट हमारी आ चुकी है, लाइट आने के बाद सबसे पहले मैं अपने जाने के लिए कपड़े प्रेस कर लेता हूँ, अलमारी से जाके कपड़े निकालता हूँ मैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि कौन से कपड़े निकालूं, पेंट शर्ट पहन लेता हूँ मैं ये, क्योंकि पेंट शर्ट मैं पहनता नहीं हूँ घर में, काम पर तो पेंट शर्ट ही पहनता हूँ। पेंट शर्टें मेरी ऐसे ही रखी रहती हैं, पहनता हूँ नहीं। अभी मैं नहा धोकर आ चुका हूँ और नहाने धोने के बाद मैं अपने बाल वगैरह सेट करता हूँ, मतलब कि तैयारी करता हूँ। उसके बाद अली जैसे ही आ जाता है तो हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। मैं अभी फरहान और के घर पर आ चुका हूँ फरहान को लेने, फरहान ही जा रहा है मेरे साथ क्योंकि अली तो जा रहा नहीं है मेरे ख्याल से ना, वो उसका दिल नहीं कर रहा है, वो कहीं और चला गया घूमने या सो रहा होगा। पहले वैसे डिसाइड हुआ था ना कि अली और तुम लोग जा रहे हो, तो फिर मैंने कहा था दूर है चलो तुम लोग बाइक पे चले जाओ। खैर अब वो नहीं जा रहा तो अपन दोनों ही चलते हैं, ठीक, हम दो भी काफ़ी हैं घूमने के लिए। हाँ, तो अभी बस हम निकलते हैं, फिर रास्ते में दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ पर रास्ते में हम दोनों रुके हैं क्योंकि बाइक गर्म हो चुकी है, 1 घंटे से लगातार चल रही थी, अभी जैसे ही बाइक ठंडी हो जाएगी तो हम निकलेंगे। यही रोड जा रहा है सीधा ऑक्सपे की तरफ, अभी यहाँ से कम भी 1.5 घंटा और लगेगा हमें जाने के लिए। अभी मुसलसल हमने बाइक चलाता जा रहा हूँ लेकिन अभी तक तो पहुँचे नहीं। हम फरहान कह रहे हैं कि यही रोड आखिरी है, फिर उसके बाद एक टर्न आएगा, हम पहुंच जाएंगे। हम दोनों समंदर पर पहुंच चुके हैं और समंदर काफ़ी आगे, तो पैदल चल के जाएंगे। बाइक हमने पीछे पार्क करी है, चौकीदार ने हमें एक टोकन दिया है, वो टोकन कहता है कि गीला नहीं होना चाहिए, अगर टोकन गीला हो गया या फट गया या मिस हो गया आपसे तो आपको बाइक नहीं मिलेगी क्योंकि आप कागज़ भी नहीं लाए हो। तो अभी हम समंदर की तरफ जाते हैं। अभी हम समंदर पर भी पहुंच चुके हैं पैदल चलने के बाद, 10 मिनट लगे हमें समंदर पर पैदल पहुंचने में। अब पहले फरहान जाएगा नहाने, उसके बाद मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, आप सामान रखूंगा, उसके बाद आप जाना। हाँ, क्योंकि सामान भी हमारे पास, फोन भी है, पैसे वगैरह भी हैं, तो गीले हो जाएंगे। पहले फरहान जाएगा नहाने, सामान मैं पकड़ लूँगा, उसके बाद मैं चले जाऊँगा नहाने, सामान फरहान पकड़ लेगा। फरहान जा चुका है नहाने में, आपको फरहान दिखाता हूँ, फरहान के मज़े आ रहे हैं, अकेला चला गया मुझे छोड़ के, इसके मज़े आ रहे हैं।
ये देखें, ये फरहान नहा रहा है यहाँ पर, इसके मजे आ रहे हैं। ये जैसे ही नहा लेता है इसका दिल भर जाता है, तो उसके बाद मैं जाऊँगा। तो जा चुका है नहाने, लेकिन मुझे डर लगता है नहाने जाने में समंदर में, तो मैं इस वजह से नहीं जा रहा समंदर में, मैं बाद में ही जाऊंगा। भाई फरहान तो नहा कर आ चुका है, फरहान मुझे कह रहे हैं कि भाई अदनान तू चले जा, लेकिन मुझे डर लगता है, मैं नहीं जा रहा समंदर में, थोड़े थोड़े पानी में खड़ा हुआ हूँ। तो अभी पहले कुछ खाते हैं और फिर खाने के बाद यहाँ से चलते हैं। हमें भूख लग रही थी तो हमने सोचा यहाँ पर कोई खाने वगैरह के लिए चीज़ ढूंढते हैं, तो हमें यहाँ पर हलीम चावल वाला मिला। तो अभी हमने हलीम चावल इन्हों से ले लिया है, इस भाई से हलीम चावल। भाई जान मसाला मिर्ची वगैरह सही करके डाल देना, क्योंकि मैं मसाला तेज खाता हूँ। अभी हम जाते हैं, खाते हैं और उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। समंदर से बाहर आ चुके हैं और अभी हमारा दिल कर रहा है घर पे जाने का, क्योंकि मेरा तो दिल था ही नहीं नहाने का, फरहान का दिल था। फरहान कह रहा था कि भाई समंदर चलते हैं, समंदर पे नहाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैं समंदर पे जाकर नहीं नहाया। तो मैंने बोला कि चल सही है यार, समंदर ही चलते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ से बाइक लेंगे, फरहान तो चला गया है वहाँ पर, बस मैं जा रहा हूँ, बाइक लेंगे, उसको टोकन दे के फिर हम घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। बाइक हमने ले ली है और बाइक लेने के बाद अभी हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो चुका है और हमें रोशनी में ही घर पर पहुँचना है अंधेरा होने से पहले। फरहान को भी पूछना है और मुझे भी, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। बस अभी गाड़ी निकाल दी है और अभी हम जाना है बस हमें यहाँ से, और टोकन भी हमने दे दिया है और अभी हम यहाँ से चलते हैं और रोशनी से पहले घर पर पहुँच जाएंगे। मैं वहाँ से घूम कर आ चुका हूँ और नेहा मुझे कह रही है कि आप अकेले चले गए, मुझे भी ले जाते, लेकिन आपने कल मना कर दिया था ना, इस वजह से दिल को दिलासा दिया मैंने, चलो कोई नहीं अब भाई चले गए तो। हाँ। लेकिन जल रही थी से। मुझे पता है जलन तो हो रही होगी नहीं आपको, कि मैं अकेला चला गया था और इसको लेकर नहीं गया था, ये बेचारी अंदर ही अंदर पता नहीं मेरे को क्या क्या बोल रही होगी। वो तो मैं बोल रही थी लेकिन आपको बता नहीं, ये घर पे ही रहती है ना, इसलिए बोर भी हो जाती है ये। चले इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर फिर प्रोग्राम बनाते हैं हम भी घूमने का। हाँ इसी हफ्ते में ना फिर कभी चलेंगे घूमने, कोई प्रोग्राम बनाते हैं कहीं दूर जाने का। हाँ। तो फिर जाएंगे और फिर मेरा दिल भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं भी जाऊंगी ना आपके साथ। चलो सही है, मैं लेके जाऊंगा। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।